A very good morning, my dear students. Hope you all are doing fine. अपने last class में मैंने आप सभी को री की मात्रा के बारे में बताया था और आज हम इसके workbook को solve करेंगे. So I request you all to take out your workbook, री की मात्रा, page number 24. Okay? चित्र देखकर वाक्य पूरे करो. चित्र में रंग भरो. ठीक है? मैंने क्या कहा यहाँ पे? यहाँ क्या लिखा है? चित्र देखकर वाक्य पूरे करो और चित्र में रंग भरो. तो इसमें कलरिंग का होमवर्क आपका है. और देखिए, पहला चित्र किसका दिया है? मृग का दिया है. तो डैश घास खाते हैं, मृग घास खाते हैं. ठीक है? फिर ये है बैल. ठीक है? ऋषभ बैल को कहते हैं, बैल को ऋषभ भी कहते हैं. ठीक है? ऋषभ, ऋषभ. ठीक है? गृह, अपने गृह को साफ करो. ग ग में री की मात्रा, गृह, गृह, अपने गृह को साफ रखो. ठीक है? फिर ये है कृषक, यानी कि किसान जो खेती करता है. कृषक, कृषक, कृषक खेती करता है. ठीक है? फिर ये है वृक्ष, वृक्ष छाया देते हैं. ठीक है? वृक्ष हमें क्या देते हैं? शैडो, छाया देते हैं. ठीक है? तो बच्चों, इस तरह आपको अपने वर्कबुक में लिख लेना है. नाउ दिस इज लिखो. ठीक है? आपको इस तरह मैंने यहाँ पे ट्रेस किया है, मैंने यहाँ पे उसके ऊपर लिखा है, आपको भी इस तरह लिख लेना है. ठीक है? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इन चित्रों को क्रम से पहचान कर 1, 2, 3 लिखो. क्रम से पहचान करके यानी कि ऑर्डर में, पहले कौन आता है, पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में यहाँ पे पहले हम कपड़े को धोते हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. फिर हम कपड़े सुखाते हैं और बाद में उसे आयरन करते हैं. तो 1, 2, 3. ठीक है? नेक्स्ट वाले में क्या है? पहले हम खाते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं और फिर हम सो जाते हैं. ठीक है? तो 1, 2, 3. थर्ड में क्या है कि पहले हम जूता को पॉलिश करते हैं, फिर उसके बाद सॉक्स पहनते हैं और जूता पहनते हैं. ठीक है? तो 1, 2, 3. एंड लास्ट में क्या है कि पहले हम नल के नीचे बाल्टी को लगाते हैं, फिर हम नल को ऑन करते हैं, उसमें पानी भरते हैं और फिर स्नान करते हैं. तो 1, 2, 3. सो इन दिस मैनर आपको इसको करना है. ठीक है? और यहाँ वाला पेज में ये रंग भर लेना है. आज के लिए यही. अपने नेक्स्ट क्लास में हम मेन बुक से पढ़ेंगे, मुख्य पाठ्यक्रम से पढ़ेंगे. आज के लिए यही. थैंक यू.